थे, आज थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं काम में, टाइम 10 बज गए हैं। अब मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाऊंगी बच्चों का, क्योंकि आज हमें एक फंक्शन अटेंड करना है दोपहर में, तो हमारा खाना वहीं पर है दोपहर में। बस नाश्ता बनाऊंगी मैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। चलो ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं, टाइम बज गया है 10। ये देखिए दोस्तों, मेरी सारी उपमा बनाने की तैयारी हो गई है, ये देखिए। चलो उपमा बनाते हैं दोस्तों। आज मैं उपमा बनाऊंगी। उपमा के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ले लिया, कटोरी चने दाल और उड़द दाल ले लिया, एक कड़ी पत्ता, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और पीनट्स ले लिया, और ये ऑलिव ऑयल ले लिया। थोड़ा सा रिफाइंड ऑलिव ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो हम इसमें सूजी डाल देंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेंगे सूजी को। इसमें बना रही हूँ मैं, ये बहुत ही हेल्दी रहता है हमारे लिए। सूजी को हमें 1 मिनट ही रोस्ट करना है, नहीं तो फिर इसमें ज़्यादा वो हो जाता है, हलवे जैसी स्मेल आने लगती है। 1 मिनट हो गया है तो मैं इसे निकाल लूँगी। सूजी हमारी रोस्ट हो गई है, इसे निकाल लेंगे कढ़ाई में से। देखिए गर्म कढ़ाई है, एक कपड़े की सहायता से निकाल लेंगे। देखिए ऑलिव ऑयल डाल दिया, ये देखिए कढ़ाई में थोड़ी सी चने की दाल और उड़द की दाल डाल देंगे। मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे 3 मिनट के लिए। मूंगफली हमारी रोस्ट हो गई है, इन्हें निकाल लेंगे एक कटोरी में। गई सरसों के दाने डाल देंगे इसमें कढ़ाई में। देखिए बहुत अच्छी बनती है ये, कभी कभी खा लेना चाहिए, बच्चों को भी अच्छा लगता है। मैंने प्याज और हरी मिर्च काट लिया है, वो डाल दिया मैंने, थोड़ा सा भून लेंगे इनको। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, टमाटर डाल देंगे, सब्जी भी डाल सकते हैं, नहीं चाहिए इसमें जो भी हमें सब्जी अच्छी लगती है सीजन वो डाल सकते हैं, इसमें जो मौसम के अनुसार आती है। मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है, आज मैंने शिमला मिर्च में डाली है, मेरे पास थी नहीं तो मैंने इसमें टमाटर और प्याज डाल दिया है। कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी मैं इसमें, ये देखिए ध्यान नहीं रहता मेरे। ये मूंगफली की गिरी मैं जब डाल दूंगी, जब हमारा उपमा बन जाएगा थोड़ी सी ना क्रंची रहेगी इनमें आएगी, जब अच्छी लगेगी। नमक डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मिर्च मैंने इसमें डाली हुई है एक, आप हल्की सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं हल्की सी लाल मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, अच्छी लगती है ये। भून लेंगे इसको। 2 गिलास पानी डाल देंगे एक कटोरी सूजी में, ये देखिए 1 गिलास और डाल दूंगी मैं, 1 गिलास और डाल दिया, 2 गिलास डाल दिया। पानी में उबाल आने देंगे फिर सूजी को डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया, हम सूजी डाल देंगे, मिला लेंगे तो जल्दी से, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ये देखिए बहुत अच्छा उपमा बनेगा, खिला खिला। देखिए पानी हमारा सोख हो गया है, देखिए उपमा कितना अच्छा बना है हमारा। और यहाँ पे हम जो मूंगफली रोस्ट की थी हमने वो डाल देंगे, ये देखिए जब ये मुंह में आएंगी तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्रंची क्रंची। ये देखिए कितना अच्छा बना है हमारा, ये देखिए मैं इसे प्लेट में डालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए उपमा हमारा बन गया, मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी, देखना कितना अच्छा बना है। ये देखिए दोस्तों अच्छा बनाए। आ जाइए आप भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट जरूर करना गाइज। देखिए गाइज मैं नीचे आ गई थी, मैंने साड़ी पहनी है ये वाली हल्की सी, क्योंकि गर्मी है ना। ये देखिए मैं पूरी तैयार हो गई थी, आज हम फंक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा वहाँ का भी दिखाऊंगी आपको। चलिए चलो चलते हैं। देखिए गाइज आज मैं नीचे आ गई थी तो मैं नीचे का भी लुक दिखा देती हूँ घर का। ये देखिए पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए। देखिए दोस्तों मैं अपनी भतीजी के घर आ गई थी, अब हम जा रहे हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा है, वहीं पे मिलते हैं आपको। कैसी देखिए पकौड़ी वगैरह है यहाँ पे लगा हुआ है खाना, आ जाओ दोस्तों खाना खा लो। देखिए हमारा आपसे मांग रहे हैं कुछ नहीं, खा बस तो
में डालने के लिए बना रहे मेरी वीडियो नहीं खाने। ये देखिए गाइस खाना भी बन गया है। गाइज मैं फंक्शन में से आ गई थी और ये कपड़े सिखवाऊंगी। अब ये देखना सारे में कपड़े फैला रखे हैं बच्चों ने, चेंज करके गए थे तो इसे तय मार के रखूंगी। और टाइम 4 बज गए हैं, 4:30 होने वाले, टाइम देख लीजिए आप, 4:30 होने वाले हैं। झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी और चाय बनाऊंगी कान्हा जी के लिए। देखिए गाइज शाम हो गई और टाइम हो गया है, 6 बजने वाले हैं। मैं आँखें सो गई थी, मुझे हल्का सा आ गया था, मुँह हाथों के थोड़ा फ्रेश सा हुई तो अब थोड़ी सी आँख खुली है। खाना खाने के बाद ना नशा सा हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा फ्रेश हुई हूँ मैं, हाँ खुली है, थोड़ा सा नशा हो जाता है खाना खाने के बाद। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या, कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और अब मैं चाय बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, 6 बज गए हैं, फ्रिज में से दूध ले लूँगी। दूध ले लिया मैंने फ्रिज में से, चाय बना लूँगी। आज मैं रेड रेड हो रही हूँ, रेड टी शर्ट डाल रखी है मैंने। देखी चाय बना दूँ मैं कान्हा जी के लिए, जब मिलते हैं आपसे। गाइज आज तो एक ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ। देखिए मैं इतने दूध लेने गई, नींद नींद के चक्कर में थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा था अभी, तो मैंने चाय रखी तो ये देखना चाय के भगोने में चाय पत्ती चीनी तो डाल दी पर ना दूध डालना भूल गई, तो आज ये काम और पड़ गया है मुझे, इस भगोने को और रगड़ना पड़ेगा। तो मैं चाय बनाऊँगी दोबारा गाइज। ये देखिए दोस्तों मैंने इसे साफ कर लिया है, साथ के साथ ही साफ हो गया ये, पर इसे रगड़ते रगड़ते ना मेरी आँखें जरूर खुल गई है। अब मेरे मुझे जो नशा हो रहा था ना खाने का वो गायब हो गया। अब मैं बनाती हूँ चाय लड्डू गोपाल जी के लिए अपने। दोस्तों मेरी पूजा वगैरह सब हो गई थी और ये देखिए अलमारी खुली हुई रखी है, मुझे पता नहीं था, अलमारी को भी बंद कर देंगे मैं। और ये देखिए मेरी पूजा हो गई है मंदिर में, ये देखिए मंदिर में मेरी पूजा भी हो गई है। और अब मैं रोटी बनाऊंगी, आज सब्जी तो रखी है थोड़ी सी दाल, क्योंकि हम तो सुबह पार्टी में चले गए थे, और थोड़ी सी दाल रखी है और यहाँ मैं आटा गूंद लिया है, तो मैं ये रोटी बनाऊंगी। ये देखिए देखिए मैंने आटा लगा लिया है, तो मैं रोटी डालूंगी क्योंकि आज हम शक्कर के साथ खाएंगे, हस्बैंड कह रहे हैं बहुत दिन हो गया है, आज नमक की रोटी और शक्कर के साथ घी मिला के खाएंगे, चूरमा चूरमा रोटी। दूध भी बल गया है मेरा गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। मैंने यहाँ पे खाना बना दिया था, ये रोटी बन गई है, दाल है, और ये मैंने शक्कर तो ख़त्म हो गई थी तो बूरा रखी थी, तो बूरा में ही घी मिला लिया है। ये देखिए आज देसी खाना खा रहे हैं, आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। बच्चे तो चले गए हैं, जहाँ पे आज फंक्शन था तो डीजे प्रोग्राम है वहाँ पर चले गए। आज मैं फुर्सत में बैठी हूँ थोड़ा, क्योंकि नाइट का मेरा सारा क्लीनिंग का काम सारा ख़त्म हो गया था और मैंने खाना वाना सब बना लिया है। बच्चे गए हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मॉर्निंग से लेके नाइट डिनर तक का जो मेरा रूटीन है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।